17 अगस्त 2006 जम्मू कश्मीर में माहौल थोड़ा गर्म था। हर दिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ की खबर सुनने को मिलती। हर दिन ऐसा देख उन सभी जवानों को भी वापस बुला लिया गया जो छुट्टी पर गए थे। खबर आई थी कि बारामूला शहर में कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल पर कब्जा किया है। कैप्टन विक्रम को यह खबर जैसे ही मिली, उन्होंने अपने 10 जवानों को ऑर्डर दिया ताकि वह मौके पर जाकर हालात पर काबू पाने की कोशिश करें। 5-5 जवानों से भरी 2 आर्मी की जीप बारामूला की ओर रवाना हो गई। दूसरी गाड़ी में अजय भी बैठा था। अजय 24 साल का लड़का था जिसकी आंखों में देश के लिए जुनून और परिवार की चिंता दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। अजय के पास सिपाही हरिराम भी बैठे थे। क्या बात है साहब, डर लग रहा है क्या? बस कुछ नहीं हरिराम जी, घर की थोड़ी चिंता है, वही खाए जा रही है। अगर ऐसी बात है तो आप छुट्टी ले लेते। क्या बताऊं हरिराम जी, मैं अपने देश की भूमि पर आतंकवादियों को नहीं देख सकता, इसलिए घर से यहाँ आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी आपकी उम्र ही कितनी है, अभी तो आपने आधी दुनिया भी नहीं देखी। हरिराम जी, मेरे लिए दुनिया देखना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे लिए अपने देश को बचाना ज्यादा जरूरी है। बहुत खूब साहब, आपकी शादी हो रखी है? बस क्या बताऊं हरिराम जी, जाने भी दो। देखिए, बारामूला यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, 2 घंटे खाली बैठने से अच्छा है मैं आपकी कहानी ही सुन लूं। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं हिमाचल में रहने वाला एक साधारण सा लड़का हूँ। माँ बाबा बचपन में ही छोड़कर चले गए, बड़ी दीदी ने पाल पोस कर बड़ा किया। 1999 में मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरी क्लास में नंदिनी नाम की एक लड़की ने एडमिशन लिया। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतने ही गुस्सैल भी थी। मुझे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। एक रोज क्लास में टेस्ट होना था, मैंने शरारत करते हुए उसके बैग से पेन चुरा लिया। जब टेस्ट लिखने की बारी आई तो उसके पास पेन नहीं था, वो क्लास में शांत बैठी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं है क्या? किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। देखो, पेन तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। मैं तुम्हें अपना टेस्ट नहीं दिखाऊंगी। अरे नहीं बाबा, शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, वो सब बाद में, अभी तुम मुझे पेन दो। मैंने उसे पेन दिया। टेस्ट के बाद उसे किसी ने बताया है कि उसके पेन मैंने ही चोरी किए थे। बस फिर क्या था, उसने मुझे हमारे टीचर से डांट पड़वाई। तब से शुरू हुई हमारी दोस्ती की कहानी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों ने शादी करने का सोचा। नंदिनी के पिताजी आर्मी में कर्नल थे, अब उसके पिताजी से उसका हाथ मांगना बहुत ही मुश्किल था। मैंने नंदिनी से कहा, मुझे 1 साल का समय दो, मैं आर्मी में भर्ती होने के बाद तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। आर्मी में आने का मेरा एक कारण ये भी था। सन 2002 में मेरा सिलेक्शन आर्मी में हुआ। मैंने नंदिनी के पापा से उसका हाथ मांगा, उन्हें मैं पसंद आ गया और हमारी शादी हो गई। समय बीतता गया, मैं छुट्टी खत्म करके अपने काम पर लौट गया। एक दिन नंदिनी ने मुझे एक खत भेजा जिसमें उसने मुझे बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। 7 महीने बाद मुझे दोबारा छुट्टी मिली और मैं घर पहुंच गया। 2 महीने बाद नंदिनी की डिलीवरी होनी थी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। मैं नंदिनी के साथ घर पर था, उसके पिताजी भी आए, हम सब टेलीविजन पर खबरें देख रहे थे। मैंने नंदिनी से कहा, नंदिनी मौसम बड़ा अच्छा है, क्यों ना चाय पकौड़े हो जाए? क्यों नहीं, अभी बनाकर लाती हूँ। दूसरी तरफ टीवी पर खबर आई कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई है। टेबल पर रखा टेलीफोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया तो पता चला कि मुझे जम्मू कश्मीर जाकर आर्मी ज्वाइन करनी होगी। हालात पर काबू पाने के लिए मुझ जैसे सैकड़ों सैनिकों का जाना जरूरी था। नंदिनी पकौड़े और चाय लेकर आई। जब उसे पता चला मुझे जाना होगा तो रुआसी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, नंदिनी जम्मू के हालात काफी नाजुक है, मुझे वहाँ जाना होगा। आप जाइए, क्योंकि आपकी बीवी से ज्यादा आपकी जरूरत पूरे देश को है। मेरी आंखें गीली हो गई। नंदिनी के पिताजी ने कहा, बेटा जिस दिन हम ये वर्दी पहनते हैं ना, उस दिन हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारी बीवी बच्चे सब कुछ देश के बाद आता है। नंदिनी का ख्याल हम रख लेंगे, तुम जाओ और भारत माता का ख्याल रखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आतंकवादियों को धूल चटाकर वापस आओगे। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ के लिए निकल गया। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी, उसने मुझसे कहा, जल्दी वापस आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस हरिराम जी, तब से मैं यहाँ हूँ,
मैं अपनी बीवी के उस समय में उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ के हालात सुधर जाए। हरिराम की आंखें गीली हो गई। इतने में आर्मी की दोनों गाड़ियां बारामूल शहर में आ गई। सभी फौजी गाड़ियों से उतरे और स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। अजय की कैप्टन ने आतंकवादियों से बातचीत की कि वो सभी बच्चों को जाने दे और खुद को भारतीय सेना के हवाले कर दे, लेकिन आतंकवादी कहां मानने वाले थे। स्कूल के पीछे के रास्ते और छत से भारतीय सैनिकों ने स्कूल में एंट्री की और इसके बाद आतंकवादियों पर हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन का हर एक अपडेट न्यूज चैनल द्वारा लाइव दिखाया जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद भारतीय सैनिकों ने हालत पर पूरी तरह काबू पा लिया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी आतंकवादियों की मौके पर मौत हो गई और कुछ सैनिक घायल हो गए। घायल सैनिकों में अजय भी था। नंदिनी टीवी पर देख रही थी, जब उसने घायल फौजियों के नाम टीवी पर देखे तो वो हैरान हो गई। उन नाम की लिस्ट में अजय का भी नाम था। अजय के बारे में सोच सोच कर उसे चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गई। नंदिनी के पिता उसके साथ ही थे। वह नंदिनी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। नंदिनी प्रेग्नेंट थी, इसी हालत में बेहोशी होने से उसके बच्चे पर असर पड़ा। नंदिनी के पिता ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना, होश कब तक आ जाएगा। कर्नल साहब घबराने की कोई बात नहीं है, बेटी एकदम ठीक है। ऐसी हालत में टेंशन लेने से अक्सर बेहोशी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे हम घर कब तक जा सकते हैं। होश में आते ही नंदिनी के पेट में दर्द शुरू होगा और डिलीवरी होगी, उसके बाद देखते हैं कितना समय लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बस मुझे नाना बनने की खुशखबरी दे दें। हाँ वो तो देंगे, पर अगर अजय साथ होता तो काफी अच्छा होता। हाँ वो तो है, पर क्या कर सकते हैं, वो अभी घायल है और शायद हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर नंदिनी को होश आ जाता है। डिलीवरी का ऑपरेशन शुरू होता है। एक घंटे ऑपरेशन के बाद नंदिनी एक बेटी को जन्म देती है। कुछ समय बाद नंदिनी की आंखें खुलती है तो सामने देखती है अजय गोद में बच्चे को लेकर खड़ा है। यह देखकर नंदिनी रुवासी आंखों से पूछती है, आप ठीक तो है ना। मैंने टीवी पर देखा था, कई फौजी घायल हो गए हैं, उनमें आपका भी नाम था। हाँ लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी, मुझे बाबूजी ने फोन किया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तुम बेहोश हो गई हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो बस इसलिए जैसे तैसे छुट्टी लेकर आ गया। यह सुनकर नंदिनी की आंखें भर आई। यह देखकर अजय ने अपनी पत्नी को गले लगाया। अजय और नंदिनी के पिता नंदिनी को हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।